Friends, welcome to your online classes, class 4. This is the video about the subject of Hindi literature. और ये है आपकी पुस्तक अविका हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 4. उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के पास ये किताब होगी, ये पुस्तक होगी और आप लोग इसका अध्ययन कर रहे होंगे. हम लोगों ने अभी तक इस चौथे लेसन तक का काम पूरा कर लिया है. चौथे लेसन की रीडिंग हो गई है और इसकी एक्सरसाइज हो गई है. ये है लेसन आपका इंदिरा गांधी, ये है आपका फर्स्ट पेज, ये है आपका सेकंड पेज. आप लोगों को इसमें से शब्द अर्थ करने को बता दिया था कि आप लोगों को अपनी कॉपी में इससे शब्द अर्थ करने हैं. एक्सरसाइज आपने कर ली है. चलिए आज हम डिस्कस करते हैं, विवेचना करते हैं इसके प्रश्न उत्तर की. तो चलिए पहला प्रश्न है, इंदिरा गांधी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ कब और किसके द्वारा ली. फिर से सुनिए, इंदिरा गांधी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ कब और किसके द्वारा ली. इसमें आपको पहले प्रश्न का कुछ अंश लेना है जहाँ की मैंने आप अंडरलाइन कर रखा है. इंदिरा गांधी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ, यहाँ तक आपको पहले बुक के क्वेश्चन से लेना है. इसके बाद आपको लिखना है, जस्ट उसके नीचे लिखा हुआ है, 24 जनवरी 1966 को राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा ली. फिर से सुनिए आंसर, इंदिरा गांधी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ 24 जनवरी 1966 को राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा ली. प्रश्न दूसरा, सन 1966 में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया. आपका उत्तर है, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के 1966 में निधन होने पर इनको प्रधानमंत्री बनाया गया. प्रश्न तीन, इंदिरा गांधी राजनीति में कैसे आई. आपका उत्तर है, यहाँ पे आपको प्रश्न से इंदिरा गांधी नाम लेना है, या नहीं लें तो आप डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं, बचपन से ही इंदिरा गांधी को राजनीति में रुचि थी इसीलिए वह राजनीति में आई. फिर से, बचपन से ही इंदिरा गांधी को राजनीति में रुचि थी इसीलिए वह राजनीति में आई. प्रश्न चार, इंदिरा गांधी कितने वर्षों तक भारत की प्रधानमंत्री बनी रहीं. और इसी का दूसरा पार्ट है, उन्हें किस नाम से पुकारा जाता था. उत्तर, वे इंदिरा गांधी 16 वर्षों तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं. उत्तर सुनिए, इंदिरा गांधी 16 वर्षों तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं, उन्हें प्रियदर्शनी के नाम से पुकारा जाता था. ये हो गया आपके प्रश्न उत्तर. फिर देखिए यहाँ पे आता है, सही पर सही का निशान लगाइए. इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई, ये आप अपने बुक से आराम से छांट कर देख सकते हैं. इंदिरा गांधी को उनका उपनाम गांधी किसके विवाह करने के पश्चात मिला. ऑप्शन ए, फिरोज गांधी. स्वतंत्र भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे. ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू. इंदिरा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था. ऑप्शन बी, इलाहाबाद. इंदिरा गांधी को किस नाम से पुकारा जाता था. ऑप्शन बी, प्रियदर्शिनी. चलिए आ जाइए अपने अगले पेज पर. पेज नंबर है 21. आशा करती हूँ कि आप लोगों ने ईयरफोन लगाए होंगे. ईयरफोन लगाइए ताकि आप बेहतर तरीके से सुन सकें और समझ सकें. सही शब्द से खाली स्थान भरिए. यहाँ पे कुछ शब्दों को दे रखा है, आपको उन लाइन्स में जो सबसे सूटेबल लगता है आपको उसको फिलअप करना है. क, इंदिरा गांधी को प्रियदर्शिनी के नाम से पुकारा जाता था. इंदिरा गांधी बचपन से ही राजनीतिक गतिविधियों में रुचि लेती थी. ग, एशियाड और निर्गुट सम्मेलन ने विश्व में भारत की छवि में चार चांद लगा दिए. यहाँ पे दो शब्द भरे जाएंगे, एशियाड और निर्गुट. घ, मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित वकील थे. ये है आपका फिल इन द ब्लैंक्स. इसके बाद आ जाइए नीचे, वाक्य बनाइए. वाक्य बनाने में आपको कुछ नहीं, बहुत कोई कठिन चीज़ नहीं है. इसमें आपको जैसे दिया है राजनीतिक, तो आपको अपने लेसन में देख लेना है कौन सा एक छोटा सा वाक्य है जिसमें ये राजनीतिक शब्द आता है और आपको यहाँ पे उस वाक्यांश को लिख देना है. तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि वो आपका वाक्य छोटा हो और उसमें जो ये शब्द दे रखा वो शब्द उसमें ज़रूर आए. तो ये आपका होमवर्क है. तो खाली स्थान, वाक्य बनाइए, सही पर सही का निशान, ये सब चीज़ें आपको बुक में करनी है. प्रश्न उत्तर और शब्द अर्थ आपको कॉपी में करनी है. इसे पूरे कर लीजिए. चलिए इसके बाद हम लेसन 5 की तरफ आगे बढ़ेंगे अगली वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.